अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे सब्सक्राइबर 1190 सब्सक्राइबर हो गया है और ये आप लोग की दुआ और आप लोग की सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो आज मैं दिल से आप लोग को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, लेकिन आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे वो किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और मेरा सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए, बस मेरा वॉच टाइम कम है, वो भी इंशाल्लाह आप लोग की दुआ और आप लोग का सपोर्ट रहा तो मेरा वॉच टाइम भी ज़रूर पूरा हो जाएगा। बस इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये देखें, सुबह सुबह बेटा भी तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए और इनको तो सुबह सुबह नाश्ता कराना पड़ता है, अपने हाथ से कराना पड़ता है, वरना अगर इनको दे दीजिए तो पता चलता है कि इनका नाश्ता सुबह सोफ़ा के नीचे या डाइनिंग टेबल के नीचे मिलता है, क्योंकि माशाल्लाह से इनकी हर आदत अच्छी है, बस एक ही आदत बुरी है जो नाश्ता और खाना छुपा के चले जाते हैं। ये आदत बहुत बुरी है जिससे मैं काफ़ी परेशान हूँ। बाकी सारी आदतें माशाल्लाह अच्छी है। ये जब सुबह सुबह ना पोट के स्कूल जाता है मुझे कि मैं आऊँगा तो इतना देर मोबाइल लूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, खूब बदन में लिपटेगा काफ़ी पोटने वाला बच्चा है माशाल्लाह। अभी इनको ना 20 रुपये चाहिए इसलिए पोट रहे हैं कि मुझे 20 रुपये अभी दे दीजिए। और ये देखिए, ये तैयार होकर आ गए हैं। ये मेरी बहन का बेटा है, इनका चश्मा आप लोग देखिए, कभी इनको ब्लैक चश्मा चाहिए, कभी ये चश्मा चाहिए, बहुत स्टाइल है, दिख रहे हो। और बाल देखिए कैसे लालू जादू से आगे करके रखा है, थोड़ा सा ऐसा लग उसके बाद से मैंने सेब ख़रीद लिया और ये सेब ना, सेब वाले ना भैया मुझे इतना ज़्यादा तो वो करके चले गए, ये सूखा हुआ सेब है, अंदर से पूरा ख़राब है और ऊपर से इन्होंने क्या किया था कि पानी डाल करके ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि ताज़ा सेब है और ख़राब नहीं है, जब सेब अंदर से काटा जा रहा तो पूरा का पूरा ख़राब ही निकल गया है। अब तो वो चले गए थे, उनको कौन कौन जाए ढूंढने, जो जो ख़रीदा था वो सब लोग मेरे पास आ रहा था कि आप भी खरीदिए, आपका भी ऐसा है। और उसके बाद से देखिए लोग, ये बेटा स्कूल से आ गए हैं और अपने दोस्तों को भी लेके आए हैं और घर पे अभी लाइट कटी हुई है इसलिए पूरा अंधेरा है। देखिए इनके दोस्त भी माशाल्लाह इन्हीं की तरह हैं, सबसे छोटा यही है। कैसे बोल रहा? और ये रोशनी में वीडियो बना लिया, सोचा कि बना लेती हूँ। और ये बोल रहे हैं कि हमारे दोस्त का वीडियो बना के हमारे चैनल पर डाल दीजिएगा। सीधा करो, अंदर कर लो, अब बाहर कर लो। उसके बाद से मैं मार्केट थोड़ी देर के लिए गई थी। ये 50 ग्राम मार्केट से आने के बाद दोपहर का खाना देखिए भाभी ने क्या किया था, अलग अलग प्याले में गोश्त दे दिए थे और ट्रे में चावल और एक प्लेट रख दी थी, तो एक प्लेट में मैंने अम्मी को दे दिया और बाकी ट्रे में ही हम और बेटा लेके बैठ गए हैं। खाना खाने के बाद हमने लेट गए और उसके बाद से ये शाम की चाय, चाय के बारे में तो आप लोग को पता है, चाय के बिना मेरा दिन ही नहीं गुजरता, तो ये चाय पी करके हम अब शॉप में आ गए। शाम हो गया है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और आजकल अभी थोड़ा सा मेरा शॉप का भी हालात सही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान कम हो चुका है। अब मैं कोशिश करूँगी कि कल जा करके कुछ सामान लेके आऊँगी। कुरकुरे वगैरह एकदम ही कम हो गए हैं, कुरकुरे वाले भैया जो आते हैं वो आजकल आ भी नहीं रहे हैं, जो आकर के दरवाजे पे ही देख के चले जाते हैं। और आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और मुझे मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग की दुआ की वजह से आज मेरा चैनल यहाँ तक पहुँचा है, तो आप लोग मुझे आगे भी सपोर्ट कीजिएगा तो इंशाल्लाह मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा।
उसके बाद से शाम में हमने खाना खाया। आप लोग देख सकते हैं खाने में यहाँ बैंगन आलू का सब्ज़ी है, सलाद, रोटी और ये मुर्गी का पथरी। पथरी के बारे में मुझे किसी ने कुछ बोल दिया था तो मैं काफ़ी दिनों से पथरी खाना छोड़ दी थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि आज बना हुआ है तो मैं सोची खा ही लेती हूँ। जो भी बातें थी वो जहन से निकाल करके मैंने पथरी खा लिया। और हमारा वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग मुझे दुआ में याद रखें।